कोरोना के दौर में भी शादियां थम नहीं रहीं। जब तक लॉकडाउन चला तब तक एक दो शादियों की खबरें ही सुनने को मिलती थीं, और वो भी ऑनलाइन शादियां। लेकिन अनलॉक वन के बाद 8 जून से 50 मेहमानों समेत शादियों के आयोजन की अनुमति दे दी गई। फिर क्या था, छुप छुपा कर ही सही, लेकिन कई जगहों पर शादियां पहले की तरह होने लगी। पूछने पर शादी के आयोजक यही दावा करते कि उन्होंने 50 से भी कम लोगों को बुलाया था, हालांकि हकीकत कुछ और भी होती। पटना में भी इसी तरह की एक शादी आजकल सुर्खियों में है। पटना के पालीगंज में हुई एक शादी समारोह ने इन आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पटना से छपने वाले स्थानीय अखबारों में मंगलवार को एक शादी की खबर सुर्खियों में रही। अखबारों के मुताबिक इस आयोजन से जुड़े 111 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं दूल्हे की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। संक्रमित पाए गए सभी लोगों का संबंध या तो उसी मोहल्ले से है जिसमें शादी हुई, या फिर वो शादी समारोह का हिस्सा थे। पालीगंज की इसी शादी के कारण संक्रमित होने वाले एक व्यक्ति को भिहटा के ESIC अस्पताल स्थित आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने BBC से फोन पर बातचीत के दौरान कहा, मेरा उस शादी से कोई वास्ता नहीं था, यहाँ तक कि मैं उस समारोह में शामिल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा संपर्क उन लोगों से रहा है जो शादी समारोह में शामिल थे और वो भी अब संक्रमित हैं। इनके मुताबिक संक्रमण की चेन इतनी लंबी हो गई है कि शादी में लगे हलवाई, फोटोग्राफर, मोहल्ले के किराना दुकानदार और सब्जी विक्रेता सभी संक्रमण के शिकार होते गए। 15 जून को हुई इस शादी की सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि दूल्हे की मौत शादी के 2 दिन बाद 17 जून को उस वक्त हो गई थी जब कथित तौर पर पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजन उन्हें पटना के एम्स अस्पताल में लेकर पहुंच रहे थे। संक्रमण के शिकार दूल्हे के पिता इस वक्त मसौड़ी के अनुमंडल अस्पताल में बने आइसोलेशन केंद्र में भर्ती हैं। उन्होंने BBC से फोन पर कहा, एम्स के गेट तक पहुंचना, ड्राइवर का चाबी घुमाकर गाड़ी को बंद करना और मेरे बेटे की मौत सब एक ही समय पर हुआ। हालांकि हम लोग फिर भी अस्पताल के अंदर शव ले गए, वहां डॉक्टरों ने जांच की और मृत घोषित कर दिया। हमें एक पर्ची दी गई और कहा गया कि ये डेथ सर्टिफिकेट लेने के काम आएगी। अस्पताल से शव को घर पर लाकर हमने रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कर दिया। दूल्हे की मौत के साथ ही शादी की चर्चा आसपास रहने वाले लोगों ने शुरू कर दी थी। पालीगंज के स्थानीय पत्रकार आदित्य कुमार बताते हैं, दूल्हा गुड़गांव में इंजीनियर था, अपनी शादी के लिए ही 23 मई को कार से यहां आया था। शादी तो ठीक से हो ही चुकी थी, लेकिन जैसे ही दूल्हे की मौत हुई इलाके में इस बात की हवा चलने लगी कि दूल्हा कोरोना की वजह से मर गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि लड़के की तबीयत खराब रहती थी, कोई कह रहा था कि वो लोग झाड़ फूंक करा रहे थे। आदित्य आगे कहते हैं, लोगों ने डर कर खुद से फोन करके मेडिकल टीम बुलवाई। पहले चरण में 9 संक्रमित मिले, फिर 22 जून को 15 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और सभी की स्क्रीनिंग होने लगी। अब यह आंकड़ा 111 पर पहुंच चुका है, कईयों की जांच होनी अभी बाकी है। जहां तक बात दूल्हे के कोरोना जांच की है तो इस पर संशय है। एक तरफ दूल्हे के पिता कहते हैं, मेरा बेटा एकदम स्वस्थ था, गुड़गांव में उसने अपनी जांच कराई थी। कार से 2 भाई और बहन बच्चों के संग 6 लोग आए थे, सभी ने हमारे घर के सबसे ऊपरी तले पर 14 दिनों तक क्वारंटीन का वक्त बिताया। वो 6 जून से हम लोगों के साथ रहने लगा था क्योंकि 8 जून को उसका तिलक था। दूल्हे के पिता को इस बात का दुख तो है कि उनका बेटा मर गया, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि समाज के लोग उनके और उनके बेटे के बारे में कोरोना को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। पिता आगे कहते हैं, लोग मुझ पर कलंक लगा रहे हैं। मैंने अस्पताल प्रबंधन से 2 बार बात की उसकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए, लेकिन वो तब तक तैयार नहीं हुई थी। इस दौरान मेरी भी जांच कराई गई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फिर मैं जा नहीं सका क्योंकि 23 जून से मुझे भी आइसोलेशन सेंटर में रख दिया गया। दूल्हे की कोरोना जांच को लेकर हमने बात की एम्स के डायरेक्टर प्रभात कुमार से। वो इस तरह के किसी भी मामले की जानकारी होने से मना करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई केस होता तो मुझे जानकारी होती। जहां तक मैं जानता हूं, कोरोना से जुड़ा ऐसा कोई मामला हमारे यहां नहीं आया है। वैसे तो नियमों के मुताबिक अनलॉक भारत में भी शादी के दौरान से 50 लोगों को बुलाने का नियम है, मगर पालीगंज की इस शादी से जुड़े अब तक 400 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 111 लोग पॉजिटिव निकले हैं। सैंपल टेस्ट के आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि शादी में शामिल लोगों की संख्या 50 से बहुत ज्यादा थी। ऐसे में यह अनलॉक के नियमों का उल्लंघन है। पालीगंज के पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार कहते हैं, स्वीकृति तो उन्होंने 50 लोगों की ही ली थी, लेकिन अब जांच में पता चला है कि अधिक लोगों का जुटान हो गया था। हम शामिल सभी लोगों की पहचान करा के पहले उनकी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। कार्रवाई तो तभी हो पाएगी जब ये लोग क्वारंटीन का वक्त पूरा कर लेंगे। वहां के BDO चिरंजीव पांडे कहते हैं, अनुमंडल अस्पताल की टीमें संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने का काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम सभी की जांच करेगी। मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम भी चल रहा है। जिस तरह का लंबा चेन बना है, आशंका है कि संक्रमितों की संख्या और ना बढ़ जाए।